हो गया जी। और दूसरा फोटो के आप इनहाउस है ना, फेस उसको आवाज है। एवरीवन मूव योर लेफ्ट। अभी सभी आप लेफ्ट में देखिएगा यहाँ पे। यस क्या लेफ्ट में लोग लेफ्ट सभी लोग। यस अभी सेंटर फिर सेंटर लेफ्ट सर सब लोग लेफ्ट में यहाँ पे ये दो कैमरे के। एक्सक्यूज मी मैम यहाँ पे ये दोनों कैमरे यहाँ भी मेरे कैमरे पे लुक दीजिए ऑल यहाँ पे। यस सर वन मोर थैंक यू। अपने राइट सेंटर में सेंटर सेंटर फिर अपने राइट राइट में फिर सेंटर राइट योर अपने लेफ्ट ओके सर एक लुक डाउन थैंक यू हो गया सर। सेंटर में सेंटर और अपने राइट राइट में राइट में लोग फिर सेंटर आइएगा सेंटर फिर अपने लेफ्ट अपने राइट से राइट 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 में सेंटर सेंटर अपने लेफ्ट लेफ्ट कैमरा ये भाई सेंटर अभी अपने राइट राइट में फिर सेंटर आ जाइए फिर अपने लेफ्ट सब लोग पेस हुआ थैंक यू एक मिनट सेंटर आ जाइए जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं वसीम भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा। सक्सेस पार्टी है तो सब एंजॉय कर रहे हैं और आई थिंक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरी तरफ से। मतलब बेस्ट विशेज है उनके लिए। और हाँ अभी इनफैक्ट अभी बाईपास रोड थी मेरी सो गया ये जहाँ रिक्रिएट किया था मैंने और इसके बाद अभी एक्सरे रिलीज पे ही है और काफ़ी लाइनअप है तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे आप। जी 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 नहीं देखिए मैं अभी कहना आसान नहीं होगा लेकिन अभी रोमांटिक नंबर्स आ रहे हैं तो अच्छा है जी। थैंक यू सर। You know, whenever you talk about some new talent that's coming and trying really hard to make it big in this mad city, so I just feel blessed and I feel that it's very important to encourage and I'm glad that we have these special events. You know, you talk about Miss and Mr. Seven States and you know people have come from all these different states and they have I've seen the show. It's a great event and I just want to wish all the people all the best for their future and I'm sure you know with this
event, you know, it's definitely going to give a big boost to them, and they'll be introduced to all these, you know, big production houses also. Yeah. कृषि साहब आपके लिए कितना मुश्किल आसान था सोनू सूद साहब को ऑन बोर्ड लाना? बड़ी मुश्किल से, वैसे हमें मीडिया को भी बड़े कम नजर आता है जब तक टीम का प्रमोशन ना हो. नहीं, मुश्किल नहीं है. यू नो, मैं कहूँगा, आई वॉज वेरी हैप्पी जब मुझे पता है कि उसी भाई ने इतना बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न्यू कमर्स को इतना अच्छा ब्रेक मिल रहा है. सो यू नो, आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिम. और बाकी आई थिंक ऐसे ही ये इनका बड़प्पन है. मुश्किल तो मुझे इतना पड़ा कि मतलब चप्पल घिस गई हम लोगों की. काफ़ी मेहनत पड़ी लगी इन तक पहुँचने के लिए. बट जब ये हम इनसे जुड़े हैं और ये हमारे यहाँ आए, तो ये समझ लीजिए फिनाले की छोटी से छोटी चीज़ को संभाला. और हम बाद में शॉक थे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी इन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे संभाल सकते हैं और कितना, मतलब इतना कोऑपरेट किया. और जो हमारे कंटेस्टेंट थे जो मायूस हो रहे थे, जो विनर तक नहीं पहुंच पाए थे, उन लोगों को भी काफ़ी बताया कि आप लोगों की अभी लाइफ यहाँ, मतलब जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अभी यहाँ से शुरू है. सो नो, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू जस्ट समवन, यू नो, उस तरफ जाके और आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये सही है, ये गलत है. दे वे दे वॉक, दे वे दे लिव देयर लाइफ. कि जितने एक कॉन्टेस्ट होते हैं, हर एक कॉन्टेस्ट में बड़े सारे ड्रीम्स जुड़े होते हैं. जितने कंटेस्टेंट्स होते हैं उनके ड्रीम्स, जितने उनके पेरेंट्स होते हैं, फैमिलीज होते वाले होते हैं, उनके सबके ड्रीम्स जुड़े होते हैं. एंड कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग नहीं जीत पाते. और बहुत सारे ड्रीम्स के साथ नई उम्मीदें जुड़ जाती हैं और बहुत सारी कई बार उम्मीदें टूटती हुई हैं. सो मैं सबको ये बोलता हूँ कि ये शुरुआत है. मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं भी ऐसे कॉन्टेस्ट में गया था. फाइनल तक पहुंचा लेकिन जीत नहीं पाया. और बड़ी कई बार मायूसी भी होती है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाए. बट व्हेन आई सी ऑल दीज कंटेस्टेंट्स, मुझे वो अपना समय याद आता है कि जब मैंने शुरुआत की थी. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जीतें या हारें, ज़रूरी ये है कि आप उस पायदान पर पहुँचे हैं, उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पर आपको इतने लोग देख रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिगनिंग. और सब लोग मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ सीखेंगे ज़रूर. नो, स्टिल माइल्स टू गो, बट या आई फील इट्स अ ब्लेसिंग टू बी ए पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री वेयर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लैंड एवरी डे इन मुंबई एंड विद लॉट्स ऑफ ड्रीम्स. एंड इफ यू सी दोज ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आई थिंक देर हैज़ टू बी सम prayers that are working for you. And I always wish all these new contestants also that my wishes are with them, my prayers are with them. Just give your best, believe in yourself, have just believe in two words, patience and perseverance. Just keep on working hard to achieve your dreams, and I'm sure, you know, there's one day that things will change. Aap sabko to samajh sakte hain, hausla afzai hoti hai jab sonu sood jaise dikhe aapke beech khada support karna hota hai. Dekhiye, hum chote tharon se belong karte hain aur hamare liye ek bada जो है चैलेंज ये था कि जब हम इस शो को कॉन्सेप्ट एमटीवी के साथ शेयर किया कि नया क्या है, इसमें नया ये था कि हमने छोटे शहरों के उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म दिया जहाँ तक बड़ा प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं जाता. हम उनके पास गए, उन शहरों से हमने बच्चों को ढूंढा, उनको लाए, और 21 दिन की जो ट्रेनिंग थी उसके बाद जो फिनाले था, तो सोनू जी का जो फाइनल बच्चों के साथ कम्युनिकेशन था वो ऐसा था कि उससे बच्चे इंकरेज हुए. और आज जो बच्चे नहीं जीत पाए वो भी पूरे एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं. नेहा Tell me when we are done. Are we done? Yes. Yes, Sonu ji. Your left. Chalo guys. Done. Chalo chalo auto. सबसे यूनिक और सबसे खासियत बात ये लगी
कि इस शो में 42 कंटेस्टेंट्स थे और अलग अलग इंडिया के देश, अलग अलग इंडिया के प्रांत, अलग अलग इंडिया के सिटीज से थे, और स्पेशली स्मॉल सिटीज से, मतलब जो स्मॉल सिटीज के टैलेंट है वहाँ के उंगा कलाकार अपने अपने टैलेंट को और अपने अपने पर्सनालिटी को ग्रूम करने इस टैलेंट हंट, इस मॉडल हंट शो में आए थे। और ये ऐसा इकलौता रियलिटी शो है जिस रियलिटी शो में ना केवल सिर्फ स्टार था, अलग अलग इंटरनेशनल पर्सनालिटीज ने, बॉलीवुड स्टार्स ने ट्रेन किया था। एंड आई मीन मैं इस शो के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। ये शो प्रोड्यूस किया हुआ है कुरेशी प्रोडक्शन हाउस प्राइवेट लिमिटेड से, एंड फाइव फेस सेड दैट द शो हैव ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट्स, सब विनर है शो के। पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और शो के बारे में मेरे से ज्यादा आप अच्छे से बता पाओगे? Hi, good evening everyone. First of all, thank you so much for sparing time to be a part of this very very special evening. मैं स्पेशल इसलिए कहूँगा क्योंकि अक्सर हम लोग फिल्म्स की प्रमोशंस करते हैं, आप लोग को बड़े बड़े स्टार्स मिलते हैं, बड़े नोन एक्टर्स मिलते हैं, लेकिन इस शो की खासियत ये है कि यहाँ पर वो लोग हैं जो बहुत सारे सपने लेकर शहर में आते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं इनके साथ जुड़े हुए, तो इनका साथ देना उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हें उस मोटिवेशन की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए इनको मोटिवेट करने के लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब मैं पहली दफ़ा इस शो के लिए वहाँ पर गया देहरादून में और मैंने पूरा ऑर्गेनाइज जो किया हुआ था मैंने पूरा देखा, तो एक ह्यूज प्लेटफॉर्म, एक बड़े स्टेडियम में इतना बड़ा शो और 42 कंटेस्टेंट्स जो इतने समय एक साथ रहे, उनका जो पर्सनैलिटी में जो ग्रोथ था दैट आई कुड सी, बड़े रॉ थे जब आए और फिर हर रोज सीखते सीखते जब फाइनल्स में मैंने देखा, सो देयर आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दे हैव ग्रोन एज इंडिविजुअल्स। और जब हम इस शहर में आते हैं मुंबई में, जब मैं भी आया पहली दफा, तो बड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं चलता कि सड़कें किस तरह जाती हैं, प्रोडक्शन हाउसेस कैसे हैंडल करते हैं, रिजेक्शन करती हैं, और उस रिजेक्शन को फेस करना आसान नहीं है, लेकिन जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इन लोगों को ये मौका मिलता है तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि कितने भी रिजेक्शन को आप फेस कर सकें। सो आई एम ग्लैड कि ये शो प्रोड्यूस किया गया जहाँ पर इतने लोगों को चांस मिला और आज ये आज आप सबके सामने हैं। सो जस्ट वांट टू विश ईच एंड एवरी सिंगल कंटेस्टेंट जो जीत पाए और जो नहीं जिन्हें मौका मिल पाया कि आज आप यहाँ पर आए हैं, आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका आने वाला जो सफर है इस शहर में, इस बॉलीवुड में या इस ग्लैमर वीक में बड़ा अच्छा हो और आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों, एंड यू ऑल मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जस्ट गिव योर बेस्ट, दो चीज़ों पर विश्वास रखिएगा, पेशेंस एंड परसिवरेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ रातों रात बोलते हैं कि शहर में सब कुछ बदल जाता है, उस रात को आने में कई बार बहुत साल लग जाते हैं, तो उस रात का इंतजार कीजिए, उस दिन का इंतजार कीजिए, जस्ट believe in yourself and I just want to wish you all the best for whatever you do aur bas aise khub tarakki karte rahe ko and the whole production team jo Vazir bhai ne mujhe jab pehli dafa introduce karaya to message se thank you to Vazir bhai ki aapne mujhe mera safar yaad dilaya diya jab maine apne career ki shuruaat ki thi, main control nahi jeet paya tha contest, lekin ye log aaj jo winners hain unko main yahi kahunga ki just keep this winning streak intact, just go and achieve your dreams and all the best and God bless you with lots and lots of success aur aise hi kamal ke show banate rahiye. Thank you so much. I would like to tell about our winners. Abhishek Gujar is the winner of the show. Big round of applause for Abhishek Gujar. He's from Roorkee. Sonali Jaitli, she's from Ghaziabad. Please everyone, big round of applause for both the winners. First runner up Shrushti Khandelwani. I'm sorry, I'm bad at the things. Shrushti Khandelwani from Ahmedabad. Shrushti Khandelwani from Ahmedabad. So we have this these six contestants: Abhishek Gujar, who is the winner. He's from Roorkee. Sonali Jaitli, she's from Ghaziabad. Shrushti Khandelwani, she's the first runner-up from Ahmedabad. And
Farman Qureshi, who is the first runners-up from Naziba Baba, then Neha Raj, second runners-up from Bareilly, and Mukund Thakur, again the second runners-up from Noida. And I have made your life easy, so you will give me 20 rupees. Sir, 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 sir. Look, sir. जब आपने नाम अनाउंस किया ना उन्होंने एकदम स्टाइल में आ गया है मैं मतलब नाम अनाउंस कर रही थी तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था आपने मेरा काम आसान भी किया और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी लेके आए हो सर आपको पता है हमारे बीच में एक बहुत फेमस डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर है जिन्होंने आपकी फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्ट किया था तुम सब पर भी जब हम शूट कर रहे थे तो कुछ जब टेक्स होते हैं सोनू नहीं आए कि ये ऐसे होना चाहिए तो सोनू से डायरेक्शन भी दे रहे थे तो प्लीज उसके लिए जोरदार तालियां हो जाएगी The director behind this show, Rajat Sehgal, he also belongs from a small city and he started his career as a reporter almost 8, 9, 10 years back and he was telling me about his struggles when I was sitting outside. So it was an amazing journey to listen about his struggle and his life journey and now he came up as a director. सबसे पहले मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की मैंने यहीं से की थी कभी मैं खड़ा होकर वहां सवाल पूछूं आज मैं जाऊंगा आज मैं कुछ साथी पुराने हैं मिले बहुत अच्छा लगा उन्होंने पहचाना दाढ़ी रखी है फिर भी पहचाना तो बहुत अच्छा लगा इस शो की खास बात क्या थी कंटेस्टेंट जो थे रोक थे उनको पॉलिश करना एक हम पेपर पे वर्कआउट लिख के उसे प्लेटफॉर्म पे लेके आना वो सबसे टॉप टास्क था ये तो पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छे से निभाया राइटर ने बहुत अच्छे से लिखा मेरे को चीजें लिखी जो मेरे लिए इजी हो जाता उसे इम्प्लीमेंट करना तो वसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने थॉट प्रोसेस किया लाया पूरी टीम को जोड़ा सर ने तो अनिल सर थैंक यू आप सबका बहुत बहुत थैंक यू आपकी वजह से मैं हुआ इंडस्ट्री में आना था एक वही रहा था मेरे पास आने के लिए उसके बाद मैंने अपना डायरेक्शन का काम शुरू किया भाई आप इसकी बात पे विश्वास मत करो जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो पता लगा धीरे-धीरे सब आगे बढ़ के पीछे कैमरा के पीछे कोई नहीं है ऐसा मत करिए गलत रास्ता में उठो यार और सोनू भाई के इंटरव्यू मैंने दास वर्ल्ड में किया था जब उनके ऑनर पैराग्लाइडिंग करके आए थे मुझे लास्ट मिला महिमा चौधरी जी मुझे तब मैंने सर का इंटरव्यू किया था मेरे को याद है अच्छी तरह कौन से इंटरव्यू किया है ऐसे आज भी कर लो भाई अरे आज भी मैं गया आज भी मैं बड़ा हो गया का बचा हुआ टैलेंट आई लव यू सैगल आप रोज कदम ले जाने को टाइम टू टाइम निकलते हैं ऑनलाइन तितलियां हम वाइन से वाइन पकड़ते हैं डेली सिंगल डेली बुकिंग एक रहा रे तू तक तू तक तू तक तू पिया रॉय राज भाई बहुत जल्दी इन सबके जब इनकी फिल्म शुरू होगी या आप लोगों के लिए म्यूजिक जरूर डायरेक्ट कर दूंगा राज भाई ऑल द बेस्ट मैन थैंक यू फिर से लास्ट टाइम मैं ये कंजेस्टन के लिए सर सोनू सर आपके लिए भी थोड़ी सी शायरी पेश करना चाहती हूँ तारों को गिनकर दिखाना है मुश्किल तारों को गिनकर दिखाना है मुश्किल किस्मत का लिखा मिटाना है मुश्किल ये आपके लिए आप सब लोगों के लिए जहां हासिल करना है आसान पर आप सब लोगों की अहमियत मुझे लफ्जों में बयां करना है मुश्किल आई होप प्लीज यू ऑल कैन एंजॉय मीनवाइल प्लीज फॉर पिक्चर्स जो आए हुए सबकी
all of you look this camera. You're right. Okay, sabko idhar aane ke liye one start yahan. You're right. Okay. सबसे पहले ये पहला शो है जिसमें 42 कंटेस्टेंट थे और सब रो थे. रो के साथ डील करना बहुत टफ होता है. जब हम ऑन पेपर जाते हैं तो ऑन पेपर स्क्रिप्टिंग में कुछ और होता है, सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती है, एक थॉट प्रोसेस होता है. जब इसको प्रैक्टिकल करने पे आ जाए तो सिचुएशन आपको एकदम डिफरेंट मिलती है, क्योंकि 42 का नेचर अलग है, काम अलग है. उन्होंने पहले काम नहीं किया, छोटी सिटीज से हमने कंटेस्टेंट उठाए, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था उनसे काम लेना. धीरे धीरे टीम जुड़ती रही, बहुत टाइम से थॉट प्रोसेस चल रहा था इस शो का, और एमटीवी से भी क्लब्ड हुए, तो सारी जर्नी इसी पे रही है कि हम इसको प्रोसीड कैसे कर पाते हैं. तो हमने बड़े अच्छे से किया, राइटर ने बहुत अच्छी राइटिंग की है इसमें, जिससे मेरे को ईजी रहा कि मैं इसको शूट कैसे करूं. और जब भी शूट करना था तो कंटेस्टेंट को कुछ चीज़ें करके भी बतानी पड़ती थी, ऐसा नहीं है नहीं बतानी पड़ी, क्योंकि रो थे ये लोग, कैमरा फेसिंग फर्स्ट टाइम था. बट बहुत अच्छे से उन्होंने सीखा किया. और आप इस शो में देखेंगे, पहले दिन का जो कंटेस्टेंट था और 21st एपिसोड में जो कंटेस्टेंट है, एकदम चेंज ओवर है. इनमें हमारे यूपी के साइड से भी है, बिहार से भी, आप उन कंटेस्टेंट को पहचान नहीं सकते जब वो पहले दिन हमारे पास थे और 21st डे थे. शूट के दौरान भी हमने उनको ग्रूम किया, और जब शूट नहीं होता था तब भी उनकी ग्रूमिंग कंटिन्यूसली चलती रहती थी. सुबह 4 बजे भी उठना पड़ता था, 5 बजे भी उठना पड़ता था. हर ग्रूमर अपनी अपनी एक टाइमिंग देता था. जैसे फैशन स्टाइलिस्ट अलग था, कोरियोग्राफर अलग था, कॉस्ट्यूम्स के लिए अलग था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अलग था. तो बहुत ही टफ टाइम था इनके लिए, इनको सोने को नहीं मिलता था. शूट मैं 2 बजे भी करता था, रात को 3 बजे भी करता था. जब भी मेरे को वो सिचुएशन क्रिएट मिलती थी कहीं पे, तो उस वक्त भी शूट होता था. होल डे तो शूट रहता ही रहता था. तो बहुत टफ जर्नी थी बच्चों के लिए, बट अब ये इतने मेंटेन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें हैंडल कर सकते हैं. जो हमारा एक मोटिव था इस शो से, एक मॉडल ना निकले, एक एक्टर, एक कंप्लीट पैकेज निकले. वो पैकेज फाइव फेसेस एंटरटेनमेंट और क्यूपी प्रोडक्शन ने दिया है. स्कूल टाइम में ही एम था कि फिल्म लाइन में आना है. डायरेक्टर का डी भी नहीं मालूम था, डायरेक्टर होता गया, फिर धीरे धीरे मालूम किया. तो डायरेक्टर का एम बहुत पहले ही बन चुका था. इंडस्ट्री में आने का कोई मेरे पास साधन नहीं था, गॉडफादर नहीं था, कुछ इतना बैकअप नहीं था. तो एक मीडिया में हेल्प आउट मिला, तो मीडिया से मैंने स्टार्ट किया. वहाँ से लिंक अप होना शुरू किया, सेट्स पे जाना शुरू किया, चीज़ों को देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया. फिर मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर किए, क्योंकि पहले वहीं से आपका स्टार्टअप है. हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा, चाहे वो एडिटिंग है, चाहे वो लाइटिंग है, चाहे वो कैमरा मैन है. मैंने बहुत छोटे लेवल से अपने आप को स्टार्ट करके आज मेरा ये डेब्यू है एमटीवी बीट्स पर, तो मैं यहाँ तक पहुँचा. तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, स्ट्रगलफुल रही है. सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन, आप कितना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को. एक शॉट लेना अलग है, एक इम्प्रोवाइजेशन अलग है. एक्टर से आप कैसे काम लेते हैं, क्योंकि एक्टर एक एक्टर है, उससे चमकाना कैसे है, उससे आपको काम लेके स्क्रीन पे लोगों तक पहुंचाना कैसे है. हर फिल्म एक जैसी है, हर शो एक जैसा है, हर सीरियल एक जैसा है, पर उसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत डिफरेंट होनी चाहिए. तो सारा कुछ बेस्ड है प्रेजेंटेशन पे. वो आपका थॉट प्रोसेस बताएगा कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है चीज़ों को, जो एकदम से स्ट्राइक करे पब्लिक को. जो स्ट्राइक कर गया वही सब कुछ है. सर, जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, एमटीवी स्प्लिट मिला, रूडी, बहुत सारे शोज हैं और भी चैनल्स में, इस शो में सर क्या खास है कि आपने अलग करने की कोशिश करी है? सबसे पहले हमारे कंटेस्टेंट 42 कंटेस्टेंट हैं, उनको हैंडल करना. और इसमें मैंने पहले भी बोला, ये कंप्लीट पैकेज था. इसमें खाली मॉडल नहीं, आज बाकी शोज़ का आप कंटेंट देखेंगे उसमें सिर्फ एक मॉडल निकलता है या एक एंकर बन जाता है या छोटे, इसमें कंप्लीट पैकेज है. अभी हमारे मॉडल्स ने सॉन्ग्स भी किए हैं काफ़ी, अभी मूवीज़ के लिए भी प्रोजेक्ट हैं वो लोग. तो एक कंप्लीट पैकेज देना चाहते थे, एक्टर निकले, मॉडल भी निकले, वो हर फील्ड में सक्षम हो, वर्सेटाइल हो, तो वही हमारा शो का मोटिव था, वो हमने किया है. थैंक यू. ये शो एक कंप्लीट पैकेज है, धमाल है,
हर कंटेस्टेंट के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है वो प्लीज़ आइए और एक बार इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, फिर हम उसको कंप्लीट पैकेज बनाते हैं कैसे वो है इसमें।